हेलो स्टूडेंट जय श्री महाकाल तो कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे मैं आपकी होस्ट आप सभी का वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल यू विक्टर ज्ञान पर तो आज की हमारी वीडियो जिस टॉपिक पर रहने वाली है वो है रेलवे टेक्नीशियन मकैनिक दो हज़ार चौबीस के बारे में क्योंकि ये वैकेंसी आ गई है इसकी पोस्ट है नौ हज़ार और इसके फॉर्म निकलने वाले हैं मार्च में तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो टेक्नीशियल रेलवे टेक्नीशियल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आई है उसका डिपार्टमेंट क्या है उसमें काम क्या होता है उसका वर्कलोड क्या रहता है किस तरह का काम होता है सैलरी क्या रहने वाली है और इसके साथ ही कि इसका जो प्रमोशन होता है वो कब होता है तो रेलवे टेक्नीशियन मकैनिक की हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमारी वीडियो में फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आप सभी लोग बने रहिए तो इसके बारे में देखिए ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है नौ हज़ार पोस्ट पर यानी कि इसमें वैकेंसी कितनी है नौ हज़ार इसमें वैकेंसी है इसके फॉर्म अभी मार्च अप्रैल में भरे जाने हैं और इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो टेंथ प्लस आईआईटी डिप्लोमा या फिर पीसीएम यानी कि ट्वेल्थ प्लस अगर किसी के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अब हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इसकी सैलरी प्रमोशन वर्क लोड डिपार्टमेंट कैसे क्या होता है क्या काम होता है तो आइए चलिए आप शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो तो सबसे पहला पॉइंट था कि रेलवे टेक्नीशियन डिपार्टमेंट क्या होगा और उसमें क्या काम करना होगा तो देखिए जो रेलवे टेक्नीशियन डिपार्टमेंट है यानी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको डिवीज़न अलॉट होगा सबसे पहले आपको क्या होगा डिवीज़न अलॉट होगा कि ये डिवीज़न आपको दिया गया है ये अलॉटमेंट आपको है तो डिवीज़न अलॉट होगा उसके बाद में आपको डिवीज़न अलॉट होने के बाद में आपको उस अलॉट को ज्वाइन करना होगा डिवीज़न फिर ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग आपकी किस तरह से होती है थ्री मंथ्स की तो आपकी क्लास की ट्रेनिंग होती है और जो अलाबाद यानि कि इलाहाबाद है यानी कि रेलवे के जो भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं क्लास के वो सभी इलाहाबाद में हैं और तीन महीने की आपकी फ़ील्ड की ट्रेनिंग होगी यानी पहले आपको क्लास सेशन दिया जाएगा उसके बाद में आपको फील्ड पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी देन आपकी जॉइनिंग होगी किसी भी डिवीज़न में अब वो डिवीज़न कौन सा हो सकता है या तो इलेक्ट्रिकल डिवीज़न हो सकता है आपको रेलवे का कोई कोच दे दिया जाएगा या फिर सिंगल कोई एक सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा जैसे कि रेलवे में अगर बोगी है बोगी में आपको फैन या लाइट का सिंगल सिस्टम दे दिया जाएगा तो इस तरह से आपके डिपार्टमेंट में ज्वाइन होगी और ये आपका प्रोसेस होगा आगे देखते हैं कि आप जब टेक्नीशियन बन जाएंगे तो उस टेक्नीशियन में आप काम क्या करेंगे किस तरह का काम आपका होने वाला है तो देखिए जब एक रेलवे टेक्नी टेक्नीशियन मशीन है आपको क्या क्या प्रोवाइड मिलेगा उसमें एक रेलवे टेक्नीशियन मशीन मिलेगी यानी जो भी आपके टेक्नीशियन का काम क्या है इसमें मकैनिक जब इसमें लिख दिया है तो ऑब्वियसली बात है आपको कुछ चीज़ रिपेयर करनी होगी या कुछ भी पार्ट जो भी रेलवे का डैमेज हो जाता है उसको आपको सही करना होगा कोई पार्ट अगर स्लो काम कर रहा है तो उसका फंक्शन चेक करके आपको ये देखना होगा कि उसमें क्या चीज़ की कमी है एक्सचेंज करने होंगे कोई भी पार्ट को रेलवे के जो पार्ट होते हैं जैसे कि बोगी में कुछ हुई कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह हुई उनको एक्सचेंज करने होंगे आपको इन सभी चीज़ों का एनालिसिस अच्छे से करना होगा वहीं अगर बात करें तो स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो उसमें उसके पार्टों की ग्रीस करनी होगी उसके पार्टों में कभी कभी कचरा फंस जाता है या कुछ भी चीज़ अगर हो तो उसकी क्लीनिंग करनी होगी और अगर मशीन कभी कभी ब्लॉक हो जाए तो उस चीज़ को आपको रिपेयर करना होगा और इसके साथ देखिए आप इस पूरे काम में अकेले नहीं रहेंगे आपके साथ एक जूनियर इंजीनियर होगा और एक हेल्पर होगा यानी आपको आप तीनों को मिलकर के ये जो रेलवे के काम है यानी डैमेज पार्ट हुआ कोई चीज़ स्लो हुई इन सभी चीज़ों की आपको पूरा तरीके से एनालिसिस करना है उसके बाद में फिर आपका ये काम फिनिश हो जाएगा अब टाइमिंग देख लेते कि रेलवे में क्या टाइमिंग रहने वाली है आप कितने आवर्स तक वहाँ काम करेंगे जो रेलवे का टाइम है वो ट्वेंटी आवर्स का होता है देखिए स्टूडेंट इसमें कोई ये नहीं कि आप छः घंटे की ड्यूटी कर चुके हैं अट्ठारह घंटे की ड्यूटी कर चुके हैं ये ट्वेंटी फोर आवर्स रहती है क्यों क्योंकि आपको स्टेशन पे कोच दिया जाएगा तो जब ट्रेन किसी भी स्टेशन पर आएगी उसके कोई भी कोच उसका पार्ट हुआ उसका कोई भी ग्रीस का या क्लीनिंग का काम हुआ तो ट्वेंटी फोर आवर्स ये काम आपका चलता रहता है हालांकि इसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं है आप हैरान मत होइए कि आपको लग रहा हो कि ट्वेंटी फोर आवर्स मैंने लिखा है तो ट्वेंटी फोर आवर्स ही नहीं है होगा ये अमूमन मतलब जब जब ट्रेन आती है तब उसके आपको ट्रेन के पार्ट के हिसाब से आपको टाइमिंग होगी और इक्कीस दिन ट्वेंटी फोर आवर्स तो है आपका प्लस पॉइंट देखिए क्या है इक्कीस दिन ही सिर्फ तीस दिनों में से आपको इक्कीस दिन इसमें ड्यूटी करनी होगी यानी कि थ्री वीक तीन सप्ताह आपको ड्यूटी करनी है जबकि सात दिन आपको टोटली रेस्ट के मिलने वाले हैं जिसमें आप कभी भी घर जा सकते हैं हॉलीडे प्लान कर सकते हैं पिकनिक प्लान कर सकते हैं एज़ यू विश जो भी आप करना चाहे उसके बाद में उनतीस और तीसवें दिन आपको वापस अपनी ड्यूटी पर आना है और फिर वापस से आपको रिजॉइन कर लेना है ठीक है तो अब आगे चलते हैं इसकी बात करते हैं हम सैलरी के बारे में कि हमें इसकी सैलरी क्या मिलने वाली है तो देखिए स्टूडेंट ये जो पोस्ट है रेलवे टेक्नीशियन मकैनिक की ये लेवल टू ग्रेड पे की जॉब है जिसमें आपको जो सैलरी है वो मिलने वाली है उन्नीस हजार नौ सौ पर मंथ ये आपकी सैलरी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग है इसके अलावा भी आपको जो चीज़ मतलब जिस तरह से पैसे मिलने वाले हैं वो है पाँच सौ रुपये मिलने वाले हैं आपको टीए के टीए क्या होता है टीए होता है जैसे कि आपकी ड्यूटी लगी है किसी भी स्टेशन पर और आपको उस स्टेशन से एक किलोमीटर दूर कहीं कोई पार्ट खराब हो गया किसी भी रेलवे का तो वहाँ पर जाना होगा तो जब भी एक किलोमीटर दूर या कहीं भी जाना होगा तो पर डे आपको पाँच सौ रुपये दिए जाएंगे तो पर डे पाँच सौ इंटू इक्कीस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है दस हज़ार पाँच सौ ये हमारे पास आता है उसके बाद में आपको डी ए दिया जाएगा पिचहत्तर सौ बासठ रुपये एच आर ए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसमेंट दिया जाएगा आपको पैंतीस सौ पिचासी जो कि बहुत अच्छा क्योंकि आपको रेलवे में कोच मिलने वाले हैं उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है तो कोच के अकॉर्डिंग आपको हाउस रेंट अलाउंसेस है पैंतीस सौ पचासी वहीं टी ए दे के हम तो बारह सौ छः रुपये और ट्रेवलिंग अलाउंसमेंट इसमें आपको अलग से मिलता है वो है दस हज़ार पाँच सौ का ये यही है दस हज़ार पाँच सौ ये दो बार आ गया यानी कि आपको जब भी, भी कहीं एक किलोमीटर के दूर दायरे में या तीन चार किलोमीटर जब भी कहीं जाना हो तो उसका आपको रेलवे अलग से पेमेंट करती है तो आपकी टोटल सैलरी हमारे पास जो रहेगी यानी आपको जो सैलरी मिलेगी महीने के लास्ट में वो टोटल सैलरी रहने वाली है पैंतीस हज़ार से पैंतालीस हज़ार के बीच में यानी इतनी सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी पैंतीस से पैंतालीस हजार के मध्य और टोटल देखें तो बयालीस हजार सात सौ पचास रुपये ये सभी उन्नीस सौ अड़तीस सौ पचास बारह सौ इन सभी को मिला के देखते हैं तो सैंतालीस सौ पचास होती है या फिर पैंतीस से और पैंतालीस हजार के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है ठीक है तो आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपका प्रमोशन प्रमोशन कब होगा और किस तरह से होगा तो सबसे पहले जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे रेलवे टेक्नीशियन तो ये टेक्नीशियन थ्री होता है उसके बाद में रेलवे टेक्नीशियन टू पे आप ज्वाइन करेंगे फिर आप करेंगे आपका प्रमोशन होगा रेलवे टेक्नीशियन फर्स्ट पे रेलवे टेक्नीशियन थ्री होता है उन्नीस सौ ग्रेड पे पे टू होता है चौबीस सौ ग्रेड पे के पे और रेलवे टेक्नीशियन वन होता है अट्ठाईस सौ ग्रेड पे पर वहीं अगर हम बात करें जब आपका प्रमोशन होगा तो सब फिर आप होंगे सीनियर टेक्नीशियन फिर जेई और एस देखिए जब आप जेई पर पहुँच जाएंगे और एस में पहुँच जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में आपको लगने वाले हैं पूरे टेन ईयर्स और यहीं अगर आपको ये टेन इयर्स का फासला बहुत जल्द ख़त्म करना है तो इनके अलग से एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप अपने दस साल घटा सकते हैं पर ये जो पोस्ट है स्टूडेंट जे और एस एस ई मान के चलिए ये बहुत ही शानदार शानदार पोस्ट है इस पर आपको जब ज्वाइन होगा तो आप खूब बड़ी पोस्ट पे जाके आपका रिटायरमेंट होने वाला है तो ये जो जॉब है ये है बयालीस सौ ग्रेड पे की बयालीस सौ ग्रेड पे की जॉब है तो इस प्रकार से मैंने रेलवे टेक्नीशियन के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच